ईरान में हिजाब के खिलाफ युवा महिलाओं ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इन दिनों महिलाएं सड़कों पर हैं और इसकी वजह है यहां का हिजाब कानून। ईरान में हिजाब कानून के तहत महिलाओं को हर कीमत पर अपने बालों को सार्वजनिक स्थल पर ढककर रखना होता है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो से प्रतीत हो रहा है कि महिलाएं देश के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देश की युवा महिलाएं हिजाब कानून को इस्लामिक समाज में नैतिक भ्रष्टाचार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का जरिया बता रही है। विरोध प्रदर्शनों के चलते यहां पर अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर हिजाब ट्रेंड हो रहा है, जिस पर लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। ईरान की न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया, ईरानी महिलाएं पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी अभियान में शामिल हो रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामी रिपब्लिक के हिजाब नियमों को क्रूर बताते हुए खुद के वीडियो शूट कर रही हैं। गौरव सावंत नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा, अजीब दुनिया है, महिलाएं ईरान में हिजाब उतारने के लिए लड़ रही है। यहां कुछ निर्धारित स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूल में भी हिजाब पहनना चाहते हैं। वहीं मोहम्मद आतिफ नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, यहां एक शब्द है पसंद, ईरान में महिलाएं पसंद के पहनावे का चुनाव के अधिकार के लिए लड़ रही है। यहां भी अपनी पसंद के पहनावे के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई अधिकारों के चुनाव की है। इकरा कुरैशी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हिजाब हिफाजत, हिजाब पहनने के बाद आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान में महिलाओं को अपना सिर हर हाल में कवर रखना होता है। वो किसी भी सूरत में बालों को कवर किए बिना सार्वजनिक स्थल पर नजर नहीं आ सकती है, लेकिन ये प्रतिबंध एक प्रशासन से अलग प्रशासन तक अलग अलग नजर आते हैं। ये प्रतिबंध इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि महिला का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र विचारों वाले हैं। मशाद और कुम प्रांत की महिलाओं पर सख्ती से नजर रखी जाती है। वहीं तेहरान या फिर शिराज जैसे प्रांत में महिलाएं आसानी से नियमों में छूट हासिल कर लेती हैं। पिछले वर्ष रईसी सत्ता में आए थे और तब से हिजाब को लेकर नए नियम आए हैं। नए नियमों में गलत तरीके से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सरकारी ऑफिस, बैंक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री देने से इनकार कर दिया जाता है। पिछले चार दशकों से ईरान में महिलाएं हिजाब के नियमों को मान रहे हैं। अथॉरिटीज का मानना है कि ये महिलाएं इस्लामिक देशों के मूलभूत सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिसके तहत हिजाब और पवित्रता सबसे ऊपर है। आप ईरान में चल रहे इस विरोध को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।